नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल दयाल। आज हम बात करेंगे यूट्राइन एबनॉर्मैलिटीज के बारे में। अब यूट्राइन एबनॉर्मैलिटीज का मतलब क्या होता है? प्रकृति ने हमारे शरीर के हर ऑर्गन या पार्ट को बहुत बारीकी से डेवलप किया है, और इस डेवलपमेंटल प्रोसेस में अगर कहीं ना कहीं कोई रोग या रुकावट या डिले होता है तो ऑर्गन सिस्टम्स तो बन जाते हैं, लेकिन ना ही वो शेप में नॉर्मल रहते हैं, ना ही वो फंक्शन में नॉर्मल रहता है। तो आज हम बात करेंगे यूट्रस यानी बच्चेदानी के एबनॉर्मैलिटीज के बारे में। किसी भी महिला में हम पहले से ये कभी नहीं बता पाते हैं कि उनमें कोई यूट्राइन एबनॉर्मैलिटी है। यूट्रस का मेन रोल पीरियड्स एंड प्रेगनेंसी में होता है। तो जब पीरियड का टाइम आता है या प्रेगनेंसी का समय आता है, तभी कुछ कुछ ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं जहाँ पे डॉक्टर को शक होने लगता है कि ये पेशेंट को यूट्राइन एबनॉर्मैलिटीज हो सकता है, और फिर उस हिसाब से हम जांचें और इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। तो आज इस टॉक में मैं आप लोगों को बहुत सारे एबनॉर्मैलिटीज के बारे में कंफ्यूज नहीं करूंगी, ना ही मैं बोर करूंगी। मैं उन एबनॉर्मैलिटीज के बारे में बात करूंगी जो हमें प्रेगनेंसी में बहुत इफेक्ट करता है, और हम इनमें क्या क्या करते हैं, आप कैसे जान पाओगे कि ऐसे सिम्टम्स अगर है तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाके इन्वेस्टिगेशंस करवाना चाहिए। एंड अगर आप डायग्नोस्ड है विद एनी फॉर्म ऑफ यूट्राइन एबनॉर्मैलिटी तो आपके लिए क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एक नॉर्मल यूट्रस को। नॉर्मली एक यूट्रस के अंदर एक यूट्राइन कैविटी रहता है जो एब्सोल्युटली खाली और एम्प्टी रहता है। फिर एक थिक यूट्राइन मस्कुलर वॉल रहती है। राइट साइड और लेफ्ट साइड में ट्यूबल ओपनिंग्स रहती हैं, फिर ट्यूब्स निकलती हैं, और एक ओवरी ऑन द राइट साइड एंड अनदर ओवरी ऑन द लेफ्ट साइड। तो ये पूरा ट्यूबो ओवेरियन कॉम्प्लेक्स होता है। माँ के गर्भाशय में जब एक छोटी सी बच्ची पलती है, उसका यूट्रस का जो डेवलपमेंट होता है वो 8 वीक्स 2 महीने से शुरू होती है। अब ये डेवलपमेंट के प्रोसेस में नॉर्मली क्या होता है, 2 डक्ट्स, मुल्लेरियन डक्ट्स जो हम बोलते हैं, वो दोनों साइड से ग्रो करके और दोनों साइड से ग्रो करते करते फ्यूज करते हैं। फ्यूज होने के बाद, मिलने के बाद, वो एक अंदर एक कैविटी बनाते हैं जिसको हम यूट्राइन कैविटी बोलते हैं। ये एंटायर प्रोसेस, डक्ट्स का होना, डक्ट्स का फ्यूज होना या मिलना, कैविटी का प्रोसेस बनना, ये पूरे डेवलपमेंटल प्रोसेस में अगर कहीं पे भी किसी भी प्रकार का रुकावट आई है फॉर व्हाटएवर रीजन, तो एबनॉर्मैलिटीज पैदा होती हैं। तो हम आज 4 एबनॉर्मैलिटीज के बारे में बात करते हैं जो हमने हमारे प्रैक्टिस में देखा भी है, और हम उसके लिए क्या क्या सर्जरीज हम लोगों ने किया है ताकि ऐसी महिलाओं को प्रेगनेंसी हो पाए। सबसे पहले इस यूनिकॉर्नियट यूट्रस। अब यूनिकॉर्नियट यूट्रस का मतलब ये है कि जन्म से ही जब बच्चे का यूट्रस का डेवलपमेंट हो रहा था, देयर वाज ओनली 1 सिंगल मुलेरियन डक्ट, 2 डक्ट नहीं थे। तो एक ही डक्ट से जब ये डेवलपमेंट शुरू हुआ तो टेक्निकली आधा बच्चेदानी है। तो आधा बच्चेदानी का मतलब ये होता है कि स्पेस भी आधा हो गया। जब ये छोटी सी बच्ची जब रिप्रोडक्टिव एज में पहुंचती हैं, तब प्रेगनेंसी में दिक्कतें आती हैं। जब प्रेगनेंसी में दिक्कतें आती हैं तब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर इवेल्युएशन होता है, टेस्ट किया जाता है, तब पता चलता है कि यूनिकॉर्नियट यूट्रस है। अब यूनिकॉर्नियट यूट्रस का टेक्निकली प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि जो जगह होनी चाहिए उसकी एग्जैक्ट हाफ जगह है, जो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स देती हैं। मैंने अपने पूरे कैरियर, अब तक के कैरियर में, एक पेशेंट को देखा है जिसको यूनिकॉर्नियट यूट्रस था, और हमने लैप्रोस्कोपी में ही डायग्नोस किया था। सेकंड इज यूट्राइन डाइडेल्फस। इस यूट्रस में 2 भाग तो है, 2 डक्ट से डेवलपमेंट तो हुए हैं, लेकिन किसी कारण से बीच में वो आके मिल नहीं पाए। तो पेशेंट के पास 2 सेपरेट यूट्रस है, लेकिन 2 सेपरेट यूट्रस में मस्कुलर टिश्यू बहुत कम है, और क्योंकि वो जुड़ नहीं पाए बीच में, तो उनका कैविटी, जो जगह होना चाहिए बच्चे के लिए पलने के लिए, वो कम है। तो ऐसे समझ लीजिए कि जैसे पेशेंट के पास 2 यूनिकॉर्नियट यूट्रस हो गए।
ऐसे पेशेंट्स के इंसिडेंस 7.5 to 11%. थर्ड इज दी बाइकॉनवेट यूट्रस. बाइकॉनवेट यूट्रस में दो मुलेरियन डक्ट्स तो रहता है और दोनों मिलते भी हैं. जब यूट्राइन कैविटी बनाने का या आकार बनाने का टाइम आता है, ऊपर के पोर्शन से एक इंडेंटेशन हो जाती है, मतलब कैविटी का एंड स्पेस कम होता है नॉर्मल यूट्रस के अपेक्षा में. लेकिन इसमें फायदा यह है कि क्योंकि दो ट्यूब से बने द मस्कुलर टिश्यू इज गुड, तो बच्चेदानी बहुत अच्छे से एक्सपैंड हो सकता है. 60% ऑफ वुमेन हैविंग बाइकॉर्नेट यूट्रस कैन डिलीवर अ हेल्दी बेबी. सो बाइकॉर्नेट यूट्रस इज वेरी ऑफन सीन, इसका इंसिडेंस भी बहुत हाई है और 60% पेशेंट्स डिलीवर अ नॉर्मल हेल्दी बेबी ऑल्सो. अगर कोई पेशेंट को रिकरेंट एबॉर्शंस होता है बाइकॉर्नेट यूट्रस के साथ, तो उसमें हम सर्जरी भी करते हैं कैविटी का स्पेस बढ़ाने के लिए. दिस सर्जरी इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेट्रोप्लास्टीज विच इज डन इन ऑलमोस्ट एवरी हॉस्पिटल हु आर डीलिंग विद यूट्राइन एबनॉर्मैलिटीज. सो लास्ट इज द सेप्टेट यूट्रस. सेप्टेट यूट्रस भी दो डक्ट से बनता है, मिलने का पोर्शन भी पूरा होता है, पर किसी भी कारण से एक पर्दा रह जाता है यूट्रस के अंदर. दिस सेप्टेट यूट्रस इज वेरी इजीली ट्रीटेबल. दूरबीन द्वारा हिस्टरोस्कोपिकली हम इसको, जो पर्दा होता है अंदर, उसको हम डिसेक्ट करते हैं. ये सेप्टल डिसेक्शन के बाद यूट्राइन कैविटी एक नॉर्मल कैविटी बन जाता है एंड सक्सेसफुल प्रेगनेंसीज भी हो जाते हैं. अब हम चलते देखते हैं कि आप कैसे सतर्क हो सकते हैं, कि क्या साइंस एंड सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिससे आपको ये लगे कि आपको यूट्राइन एबनॉर्मैलिटी हो सकता है. नंबर वन, पेनफुल पीरियड्स. अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, आपने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने आपको मेडिकेशंस दिया है, ओसी पिल्स भी दिया है, लेकिन फिर भी आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो फिर यू शुड सस्पेक्ट एंड द डॉक्टर आल्सो विल सस्पेक्ट यूट्राइन एबनॉर्मैलिटीज एंड फिर वो एक 3D TVS अल्ट्रासाउंड करके डायग्नोज करते हैं. अब ये क्यों होता है? क्योंकि एबनॉर्मैलिटीज है, ब्लड को बाहर आने के लिए कहीं ना कहीं रुकावट होता है, जिसके कारण यूट्रस के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर और पेन पैदा होता है जो आप एक्सपीरियंस करते हैं. सेकेंड इज डिक्रीज्ड पीरियड्स या एब्सेंट पीरियड्स. कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं 16-17 ईयर्स की होती हैं और मदर्स लेके आते हैं हमारे पास कि मैडम इनका पीरियड अभी तक आया ही नहीं है, और जब हम सोनोग्राफी करते हैं तो सोनोग्राफी में देखते हैं कि वहां पे यूट्रस नहीं है, यूट्रस इज कंजेनिटली एब्सेंट. अगर आपका यूट्रस है और फिर भी पीरियड्स ठीक से नहीं आता है, देन देर आर अदर रीजंस के यूट्राइन एबनॉर्मैलिटीज के साथ साथ दूसरे भी कारण होते हैं जिसके पीरियड्स कम आता है. सो यू हैव टू कम एंड चेक दिस आउट विद अ डॉक्टर. पेनफुल इंटरकोर्स. पेनफुल इंटरकोर्स का मतलब ये होता है कि संबंध रखते वक्त असहनीय दर्द होता है. अगर आपके सारे टेस्ट नॉर्मल हैं और नॉर्मल वजाइनल चेकअप्स इज नॉर्मल एंड फिर भी आपको ये परसिस्टेंटली पेन होता है, देन यू हैव टू गेट योरसेल्फ चेक्ड फॉर यूट्राइन एबनॉर्मैलिटीज. प्रेगनेंसीज में क्या होता है? प्रेगनेंसीज में रिकरेंट मिसकैरेजेस होते हैं. जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं अपने प्रीवियस मिसकैरेज या एबॉर्शन की रिपोर्ट्स के साथ और उसमें बेबी में हार्ट बीट भी आ चुका होता है, आपका हार्मोनल स्टेटस भी नॉर्मल है, बट फिर भी बार बार एक पीरियड क्रॉस करने के बाद आपका रिकरेंट एबॉर्शन हो रहा है, देन द डॉक्टर विल इवेल्युएट यू फॉर यूट्राइन एबनॉर्मैलिटीज. प्रेगनेंसीज में मिसकैरेजेस के साथ साथ प्री टर्म डिलीवरी, मतलब समय से पहले डिलीवरी भी बहुत कॉमन है. ये कॉमन इसलिए है क्योंकि यूट्रस का जो कैविटी है इतना लोड या प्रेशर बेबी का, लाइकर का नहीं ले पाता है, क्योंकि उसका मस्कुलर टिश्यू भी बहुत कम रहता है, और फिर प्री टर्म लेबर होता है. मैल पोजिशंस. अब मैल पोजिशंस ट्रांसवर्स और ब्रीच पोजिशंस में बच्चे इसलिए रहते हैं क्योंकि यूट्राइन कैविटी में स्पेस कम रहता है, तो इसलिए बच्चे आड़े और तिरछे रहते हैं, और क्योंकि वो एबनॉर्मल पोजिशंस में रहते हैं, ऐसे बेबीज में सिजेरियन सेक्शन से डिलीवरी होना बहुत कॉमन है. तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे हम डायग्नोज करते हैं. Diagnosis is done by a 3D TVS ultrasound. Normally, जब आप लोग follicular study और gynecs ultrasounds के लिए आते हैं, हम एक transvaginal ultrasound करते ही हैं. लेकिन uterine abnormality के लिए आपको 3D transvaginal ultrasound करवाना पड़ेगा. उसी में आपको समझ में आएगा 3D में, not on a 2D ultrasound.
सेकेंड इज एन HSG. HSG एक ऐसी टेस्ट होता है जिसमें हम ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट करते हैं. हम एक डाई पुश करते हैं वेजाइनली और फिर यूट्रस का आकार और ट्यूब्स पेटेंट है कि नहीं इसमें हमें पता चलता है. HSG एक ऐसा टेस्ट है जो प्रेगनेंसी में नहीं किया जा सकता है. लास्ट इज MRI. अगर TVS नहीं कर सकते हैं फॉर वॉट एवर रीजन, अगर वेजाइनल एजेनेसिस है या अनमैरिड गर्ल है, तो फिर हम MRI एडवाइज करते हैं अगर हमें कोई कंफर्मेशन चाहिए तो. सो देर आर ओनली 3 मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन. अब मैं यूट्राइन एबनॉर्मैलिटीज के बारे में बात क्यों कर रही हूँ. हमारे पास बहुत प्यारी सी एक पेशेंट आई थी जिसको रिकरेंट एबॉर्शंस हुए थे. फिर हमने उनका जांच किया. हमने जब TVS में 3D अल्ट्रासाउंड किया तब हमें बाइकॉन्यूट यूट्रस दिखा और हमने उसी का डायग्नोसिस बनाया. फिर ट्रीटमेंट के साथ वो प्रेग्नेंट भी हुई. 3rd मंथ में हमने एक सर्वाइकल स्टिच भी डाला. 9 मंथ्स तक उसका प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से गया. 9th मंथ में सोनोग्राफी के दौरान बेबी ब्रीच था तो हमने इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन के लिए उसको एडवाइस किया. हमने सिजेरियन किया, उल्टा बेबी डिलीवर किया और सिजेरियन सेक्शन के बाद तब जब हमने यूट्रस को क्लोज किया, ये पिक्चर उस बाइकॉर्नेट यूट्रस का है. द मदर एंड बेबी बोथ आर डूइंग वेरी फाइन. और उसकी ही रिक्वेस्ट पे हमने ये एबनॉर्मैलिटीज वाली वीडियो बनाया है क्योंकि मुझे भी ऐसा लगा कि ये बहुत ही रेयर चीजें हैं जो लोगों को पता नहीं होती हैं. एक और बात आपको पता होना चाहिए कि अगर आप डायग्नोस्ड हैं विद एनी फॉर्म ऑफ यूट्राइन एबनॉर्मैलिटी, यू ऑल्सो हैव टू गेट योर सेल्फ चेक्ड फॉर रीनल एबनॉर्मैलिटीज. यूट्राइन एबनॉर्मैलिटीज के साथ साथ किडनी के भी एबनॉर्मैलिटीज होते हैं. प्लीज गेट अ फुल एब्डोमिन अल्ट्रासाउंड टू सी द स्टेटस ऑफ द किडनीज ऑल्सो. अगर इस विषय में आप लोगों को और कुछ बात करनी है हमसे, प्लीज कॉन्टैक्ट अस. थैंक यू.